आज मीडिया में खबरें आ रही है कि काफी बंदरबांट हुई है जमीनों की, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ बहुत सारी बंदरबांट हुई है और शायद बुधवार को मेरे विभाग का एक केस राजस्थान हाईकोर्ट में लगा है। अभी भी मुझे जानकारी मिली है कि सरकार की तरफ से जो वकील पैरवी करेंगे उनका भांजा दूसरे प्रतिपक्ष की तरफ से पैरवी करेगा। अभी जयपुर जाने के बाद उसमें जानकारी कर कोशिश करूंगा कि सरकार को लगभग 700-800 करोड़ रुपए का नफा या नुकसान हो सकता है और ये उसी जो प्रकरणों से जुड़े हुए प्रकरण है जो बंदरबांट पिछले दिनों में हुई। क्या प्रकरण है? अभी देखो, जब तक मैं जब तक मुझे पूरी जानकारी नहीं हो मैं कोई बात सार्वजनिक रूप से नहीं कहता। मुझे जो जानकारी मिली आधी अधूरी उसके बारे में प्रशासन शहरों के संग बयान एक तरह से स्टॉप हो गया है, लोगों के पट्टे नहीं बन रहे, काम नहीं हो रहे, क्या? देखिए, जितनी शिकायतें हैं प्रशासन शहरों के संग और पट्टा वितरण निर्माण स्वीकृति भू परिवर्तन के बारे में मिली है, इसके लिए हमने रोक लगाई है। हम उसका अध्ययन करवा रहे हैं कि ऐसे क्या कमी खामियां थी दिशा निर्देशों में या नियमों में जिनकी वजह से वो इस प्रकार की गड़बड़ झाला करने में अधिकारी सफल हुए हैं, उनको दूर करते हुए और जिन जिन ने गड़बड़ झाला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आने वाले भविष्य में इस योजना को आगे बढ़ाएं। सर, कब तक हो जाएगी ये समीक्षा, क्योंकि लोगों को काम अटके हुए हैं, कुछ अच्छे काम? देखो, काम कोई नहीं अटका हुआ है। आज आप 50 साल से रह रहे हैं, 60 साल से रह रहे हैं, 100 साल से रह रहे हैं, बिना पट्टे के अब भी रह रहे थे और 2-4 महीने अगर और रह जाएंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। लोकसभा चुनाव बाद में माने या पहले? हो सकता है बीच में भी हो जाए, एक अंतिम सवाल, लेकिन लोकसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। आचार संहिता लगेगी? लगेगी तो हमको, जो हम सुधार करने जा रहे हैं उसको कोई नहीं रोक पाएगा। अध्ययन करने को कोई नहीं रोकता है, निर्णय करने को रोकता है। जावेद सिंह जी, खरा साहब एक बड़ा शहर है, पूरे प्रदेश में जिम्मेदारी, लेकिन सिकावड़ी संभाग में विशेष जिम्मेदारी, डुंगलोद में झुंझुनू में दो लगातार दौरे हुए हैं, क्या माने कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उस चेहरे की भी तलाश है जो लोकसभा में भाजपा का? नहीं, अब आप इसका कुछ भी अर्थ लगा सकते हैं। देखिए, पहले मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरे पे आया था, उसी दौरान यहाँ यूथ कॉन्क्लेव था, उसमें इन्होंने निमंत्रित किया। तो चूंकि भारत दुनिया का सर्वाधिक युवा आबादी वाला राष्ट्र है और विभिन्न प्रांतों के विभिन्न जिलों के युवा यहाँ इकट्ठे हुए थे, इसलिए मैं उनके बीच आया था और उसी दिन उन्होंने वार्षिक उत्सव का निमंत्रण दे दिया, मैंने हाँ कर लिया, इसे आज फिर आ गया और भविष्य में फिर भी आऊँगा।